आखिरकार उस दिन का इंतजार खत्म हो ही गया था जब कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने बैंड बाजा बारात के धूमधड़ाके के बीच एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया। कैटरीना ने न केवल कुछ करीबी दोस्त और परिवार की मौजूदगी में विक्की के साथ साथ फेरे लिए, बल्कि शादी के दौरान उन्हें ससुराल से हीरो से जड़ा मंगलसूत्र भी दिया गया, जिसे फेरों की रस्म के बाद अदाकारा को उनके पति विक्की कौशल ने पहनाया था। कैटरीना के वेडिंग आउटफिट की तरह उनका मंगलसूत्र भी बेहद खास था। वैसे तो कैटरीना कैफ की ड्रेस और हर एक चीज को देखने के लिए आप लोग काफी ही बेताब थे, लेकिन अब तस्वीरें जैसे धीरे धीरे करके सामने आ रही है तो देखा जा रहा है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा महंगी और एक्सपेंसिव थी। हालांकि बॉलीवुड की दूसरी हसीनाओं की तरह कैटरीना का मंगलसूत्र भी दिखने में बेहद आम है, लेकिन अगर कीमत तलाशने जाए तो प्राइस सुनकर आपका भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसा मंगलसूत्र विक्की ने कैटरीना को पहनाया है। कैटरीना के मंगलसूत्र का क्लोज लुक उनकी शादी की उस तस्वीर में देखने को मिला था, जिसमें वे विक्की का हाथ पकड़कर फेरों की रस्म को पूरा करती नजर आ रही थी। अदाकारा के मंगलसूत्र की डोरी लंबी रखने की बजाय शॉर्ट लेंथ में थी, जो कि आजकल जबरदस्त ट्रेंड में है। वही डोरी को काले और सोने के मोतियों से सजाया भी गया था, जिसमें नीचे की तरफ एक नहीं बल्कि दो अनकट हीरों को जोड़ा था। कैटरीना के मंगलसूत्र का डिजाइन बहुत हद तक प्रियंका चोपड़ा के मंगलसूत्र से मिलता जुलता है, जो देखने में एक अलग ही मॉडर्न टच में दिखाई दे रहा है। साथ ही बता दें कि कैटरीना के मंगलसूत्र का क्लोज लुक उनकी शादी की उस तस्वीर में देखने को मिला था, जिसमें विक्की का हाथ पकड़कर फेरों की रस्म को पूरा करती हुई नजर आ रही थी। और बता दें कि कैटरीना कैफ की शादी की ज्वेलरी की तरह उनके मंगलसूत्र को भी इंडियन फैशन डिजाइनर सब्यसाची ने ही डिजाइन किया था। मंगलसूत्र की डिजाइनिंग डिजाइनर की लेटेस्ट कलेक्शन बंगाल टाइगर से पिक की थी, जिसमें नीचे का लॉकेट अदाकारा की पसंद के हिसाब से कस्टमराइज्ड किया गया था। वही मंगलसूत्र देखने में बहुत ज़्यादा चिक या लाउड नहीं था, वही जिस वजह से इस तरह की डिज़ाइनिंग को नॉर्मल ड्रेस भी वेयर किया जा सकता है। पतले लिंक चेन में बीचों बीच ओवल एवं राउंड शेप में हीरे जड़े थे, जो देखने में बेहद ही सुंदर लग रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि आजकल अगर बात की जाए तो हर कोई चमकदार चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वही कैटरीना कैफ ने बहुत ही सीधा साधा मंगलसूत्र पसंद किया, लेकिन वो दिखने में इतना ज़्यादा बेहद खूबसूरत था कि हर कोई उस मंगलसूत्र को देखने के लिए बेताब है। एक तरफ जहाँ कैटरीना की शादी की ज्वेलरी लाखों में है, तो वही एक अकेले मंगलसूत्र की कीमत 5 लाख के आसपास बताई जा रही है, जिसे खरीद पाना आम इंसान के शायद बस की बात नहीं है। खैर, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मिनिमल और डेलिकेट वाली ज्वेलरी अक्सर ही लुक में स्कॉट ऐड करने में काम आती है। ऐसे में कैटरीना का यह मंगलसूत्र उन लोगों के लिए एकदम बेस्ट है जो शादी के बाद बहुत ही एलिगेंट एवं ग्रेसफुल रहना पसंद करते हैं। प्रियंका चोपड़ा के शादी वाले मंगलसूत्र की भी बात कर ली जाए तो बता दें कि यह बहुत ही कम स्टनिंग नहीं था एक्ट्रेस के लिए। इसे खासतौर पर इंडियन फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने ही डिज़ाइन किया था। पीसी का मंगलसूत्र ऐसा है जिसके डिज़ाइन इतनी यूनिक है कि उनसे पहले कभी भी किसी और को इस तरह के मंगलसूत्र को पहने नहीं देखा है। यही एक वजह थी कि प्रियंका की यह सुहाग की निशानी महिलाओं के बीच में काफ़ी पॉपुलर हुई थी। इस मंगलसूत्र से गोल्ड चेन थी, जिसमें सिर्फ आगे की ओर काले मोती लगाए गए थे, बीच में 4 हीरे लगाए गए थे, इनमें से 3 छोटे और उसमें बीच में बड़ा टीयर शेप डायमंड लगा हुआ था। ये तो थी इन लोगों की बात, क्योंकि भाई जैसे सपने और वैसी हकीकत को पूरा करने में नहीं लगता है ज़्यादा समय। विक्की कौशल ने कैटरीना कैफ को ऐसा ही मंगलसूत्र दिया शादी के समय पे, जो देखने में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। यहीं तक थी खबर, आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट 9 की रिपोर्ट।